गाजीपुर में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी धरती। दरअसल गाजीपुर में बदमाशों ने लगभग सुबह 6:30 बजे थाना क्षेत्र जमनिया के अंतर्गत महेवा के पास ग्राम के एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक यादव है, जो मौजूदा हालात में उस गांव का प्रधान पति भी है, जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, वह रोज की भांति महेश्वर धाम मंदिर महेवा के ओर जा रहा था, जहां पर 700 मीटर की दूरी पर सामने से आ रहे अज्ञात बदमाशों ने उस पर गोली मारी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक यादव प्रधान पति के सीने में गोली लगी। आनंद फानन में उसे गाजीपुर सदर हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर उसकी हालत को देखकर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना क्षेत्र अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक साहब को दी गई, जहां पर मौके पर ही सूचना पाते ही अधिकारी मौजूद हो गए। नियमानुसार विविध कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। देखिए, आज सुबह हमको सूचना मिली कि जो अशोक प्रधान है चितवन पट्टी के, वो सवेरे जा रहे थे दर्शन करने के लिए, तो उन पर कुछ लोगों ने जो है गोली मार करके उन्हें घायल कर दिया है। इस पर हमारी पुलिस गई मौके पर, तब तक उनको ले जाया गया था सदर अस्पताल से रेफर होकर के फिर वो वाराणसी गए हैं। वहां पर उन्होंने अपने 5 लोगों का नाम लिया है, और जिन 5 लोगों का नाम लिया है उनको हमने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सर, किस बात को लेके ये सर वारदात हुई है? अब वारदात तो अभी और नहीं बता सकते हैं, अब इनसे पूछताछ होकर के तभी पता चल पाएगा कि किस बात के लिए है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनसे उनकी रंजिश है, इसीलिए उन लोगों ने मुझ पर गोली चलवाई। नमस्कार, मैं हूँ देवकी नंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।